इसने पूरा डिस्ट्रॉयड किया हुआ है, जो पुराना बिल्डिंग था इसका, उसका पूरा मलबा देख रहे हैं। और यहाँ पे अभी क्या काम चल रहा है, अभी जगह जगह पे गड्ढा खुदा हुआ है, उसका अभी जाली वगैरह भी लगा हुआ है। तो इस सब तक यहाँ पे एक बाईपास रोड बना हुआ है इसके अंदर में आने के लिए। तो इस प्लेटफॉर्म नंबर 8 के जस्ट सामने में कुछ और खास बन रहा है, पर प्रॉपर ये है क्या, इसका बोर्ड लगा हुआ है ये टू तक की जगह को भी वहाँ पर खुला हुआ था, जो आगे टिकट, जो टिकट काउंटर बना हुआ है नया वाला, वहां तक जाने के लिए। लेकिन अब इसको भी पूरा कवर कर दिया गया, क्योंकि जैसे जैसे कंस्ट्रक्शन का काम और बढ़ते जा रहा है वैसे वैसे इसको कवर अप भी किया। हेलो दोस्तों, स्वागत है एक नए अनदर वीडियो में। दोस्तों करेंटली अभी बिहार के सबसे बड़े 5 रेलवे स्टेशन को उसके स्टेशन के रीडेवलपमेंट के लिए प्राइवेट एजेंसी को हैंड ओवर कर दिया गया है, जिसमें से सबसे एक अपना मुजफ्फरपुर रेलवे स्टेशन को भी जो प्राइवेट एजेंसी उसको हैंड ओवर कर दिया गया है। और जो बजट अनाउंसमेंट हुआ है वो हुआ है 450 करोड़ रुपए। जी हाँ दोस्तों, और अभी करेंटली उसमें काफ़ी जो वर्क है वो ऑलमोस्ट 50% लाइक काम तो हो चुका है, जिसमें अभी जो दक्षिण तरफ में है वहाँ पे नया टिकट काउंटर खुला है, और जो आगे का बिल्डिंग था UTS बिल्डिंग उसको डिस्ट्रॉय कर दिया गया है। तो चलिए दिखाते हैं अभी अपने मुजफ्फरपुर रेलवे स्टेशन को और करेंटली अभी क्या वर्क हुआ है अपने इस स्टेशन के अंदर में। तो दोस्तों, अगर दक्षिण से रेलवे स्टेशन के अंदर इंटर करते हो तो यहाँ पे आपको एक बहुत बड़ा पार्किंग एरिया भी मिल जाता है, और ये रहा हम लोग का एक नया टिकट काउंटर, और उसके बाद हम लोग इसके स्टेशन के अंदर में चले जाएंगे। लेकिन अगर आप इस तरफ आते हो तो यहाँ पर भी आपको कुछ टूटता फूटता नजर आ जाएगा, बट एक्चुअली यहाँ पे भी क्या बनेगा इसका कुछ अभी अंदाजा है नहीं। ये रेलवे स्टेशन के बाहर का जो काउंटर नया बना है उसके बाहर का एक पार्किंग एरिया, तो भाई यहाँ पे देख सकते हो पूरा टोटल कितने सारे भाई कार और बाइक लगे हुए हैं। क्या चीज का बोर्ड लगा हुआ है ये, टू व्हीलर में है या फोर व्हीलर का, सबका है ना। यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे एक ओवरब्रिज का भी काम किया जा रहा है, जो कि वहां से क्रॉस होकर के सीधा नीचे चला आएगा इस तरफ में, और फिलहाल शायद ये लिफ्ट का भी काम हो सकता है। कि जो टू व्हीलर का जो लगाने का प्राइस उसको 20 रुपये बताए हैं 12 घंटा का, क्योंकि और यहाँ पर फोर व्हीलर के बारे में बताएं कि यहाँ पर उतना फोर व्हीलर लगता नहीं है, बस टू व्हीलर का ही टाइम यहाँ पर प्रॉपर बताए थे, जो कि 12 घंटे का सिर्फ 20 रुपये प्राइस लगता है। और इसकी जितना भी कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है वो स्टेशन के आउटसाइड में चल रहा है, जो कि सबसे बाहर की तरफ में हो या फिर सबसे आगे की तरफ में हो। और सामने में जो है वो है UTS बिल्डिंग, जो कि टिकट एरिया का काउंटर हुआ करता था, वो उसको पूरा डिस्ट्रॉयड किया गया है, जो कि फिर इससे नया काम भी चलेगा। तो इस तरफ में कुछ यहाँ पर सामने में दिख रहा है उसे पूरा तोड़ा जा रहा है, आगे में पूरा पार्किंग एरिया है, और इस तरफ में भी पूरा पार्किंग एरिया है, यहाँ पे मिल जाता है पूरा पार्किंग एरिया। और यहाँ पर से जो भाड़े का गाड़ी होता है और कहीं दूर निकलना, तो यहाँ से भी आप ले सकते हो। तो फिलहाल अभी हम इसके और अंदर में चलते हैं, जहाँ पर कंस्ट्रक्शन का काम और भी चल रहा है। तो एक बाईपास जो रास्ता बना है वो इस तरफ से बना है अंदर जाने के लिए, और यहाँ पर देख रहे हैं पूरा जाली जाली पूरा लगा हुआ है, जो भी कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है और जो भी जगह जगह पे गड्ढा खुदा हुआ है उसका अभी जाली वगैरह भी लगा हुआ है। तो इस सब देख, यहाँ पे एक बाईपास रोड बना हुआ है इसके अंदर में आने के लिए। वैसे प्लेटफॉर्म नंबर 8 के जस्ट सामने में कुछ और खास बन रहा है, पर प्रॉपर ये है क्या तो इसके बारे में पता है नहीं, क्योंकि इसका अभी काम चल रहा है और यहाँ पर जितने भी स्टाफ है या जितने भी लोग हैं वो इसके बारे में प्रॉपर जानकारी नहीं दे पाते हैं कि यहाँ पे क्या हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो फिलहाल देख रहे हो यहाँ है हम लोग प्लेटफॉर्म नंबर 8 पे, और यहाँ पे चल रहा है कुछ नया कंस्ट्रक्शन। तो भाई यहाँ पर ही पूरा देख रहे हैं, पूरा डिस्ट्रॉयड किया हुआ है, जो पुराना बिल्डिंग था इसका, उसका पूरा मलबा देख रहे हैं। और यहाँ पे अभी क्या काम चल रहा है भाई देख सकते हो, यहाँ पे जो स्टाफ सब बैठे हुए हैं और यहाँ पे इसका पूरा मलबा बिखरा हुआ है, पर क्या बन रहा है एग्जैक्ट पता है नहीं। और यहाँ भी जितना भी स्टाफ है किसी से भी जानकारी लेना भी भाई मुश्किल है, क्योंकि प्रॉपर को कुछ बता नहीं पाते कि यहाँ पे अभी कंस्ट्रक्शन का काम चल क्या रहा है। तो फिलहाल अभी हम लोग आ गए हैं स्टेशन की जो बाहर वाला रोड आता है उस पर, जो सामने में दिख रहा है। तो इस तरफ में अपना रेलवे स्टेशन का जो मेन गेट आता है वो आता है, और इस तरफ में क्या आता है पता नहीं। तो ये देख रहे हो यहाँ भी इसका पूरा डिस्ट्रॉयड हो चुका है, और जो बिल्डिंग बताया था जो बन रहा है नया, जो प्लेटफॉर्म नंबर 8 के बगल में, वो ये रहा।
स्टेशन निजी हाथों में जाने के बाद पूरा तस्वीर ही बदल गया। तो पूरा 450 करोड़ का बजट अलाउंस हुआ है इस रेलवे स्टेशन को रीडेवलपमेंट करने के लिए। तो भाई उस हिसाब से प्रॉपर काम भी दिखता है। तो अभी हम लोगों के फोन नंबर 1 पे जो इससे रिलेटेड जो भी बिल्डिंग था उसको भी यहाँ पे डिस्ट्रॉय किया जा रहा है। जो सामने में जो ग्रीन पर्दा उसको लाया हुआ है, फाइनली जो लुक दिया जाएगा रेलवे स्टेशन का वो कुछ ऐसा दिया जाएगा। और यहाँ का जो मेन गेट से बाहर निकलने पे जो एक पार्किंग मिल जाए तो वो यहाँ पे है। तो यहाँ पे कुछ ज्यादा ही रहता है क्योंकि ये पुराना है उसको लेकर के। ये रहा हम लोग का मुजफ्फरपुर का मेन गेट, जो यहाँ पे एंट्री गेट वहाँ से स्टार्ट होता है। ये पूरा का पूरा पार्किंग एरिया हो गया और यहाँ से हो गया स्लाइडिंग सीढ़ी जो ऊपर तक जाता है। और ये सामने में है जहाँ से आप टिकट वगैरह को ले सकते हो। और यहाँ पे एक एटीएम भी मिल जाता है और पार्किंग एरिया यहाँ से लेकर के इसके पीछे से स्टार्ट हो जाता है। और इस स्टेशन पे जो कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है वो सामने में चल रहा है जो स्टेशन से जस्ट बगल में है। और यहाँ पे पूरा का पूरा ये पार्किंग एरिया ही है। ये रास्ता भी खुला हुआ था लेकिन अब कंस्ट्रक्शन का जो भी मलबा हुआ फैल रहा है उस हिसाब से इसको पूरा कवर भी किया जा रहा है। तो सामने में देख रहे हो जो इसका भी डिस्ट्रॉय किया जा रहा है। तो यहाँ पर पूरा रास्ता भी ब्लॉक कर दिया गया है क्योंकि इसका जो भी धूल होता है या फिर जो भी डस्ट हो जो भी इसका मलबा है उतना फैल रहा है उस हिसाब से इसको कवर अप भी किया जा रहा है ताकि वहाँ पर किसी को क्षतिग्रस्त न हो। तो गैस कुछ टाइम तक इस जगह को भी वहाँ पर खुला हुआ था जो आगे टिकट काउंटर बना हुआ है नया वाला वहाँ तक जाने के लिए, लेकिन अब इसको भी पूरा कवर कर दिया गया क्योंकि जैसे जैसे कंस्ट्रक्शन का काम और बढ़ते जा रहा है वैसे वैसे इसको कवर अप भी किया जा रहा है। तो फिलहाल ये है अपना नया रेलवे स्टेशन का कुछ अलग तस्वीर। और यहाँ पे काम के बढ़ जाने से जो ये जगह था वो एक टाइम में पूरा खाली हुआ करता था। भाई यहाँ पर पूरा CNG ऑटो ही लगा हुआ है तो ये एरिया पहले पूरा खाली हुआ करता था। तो भाई करेंटली अभी ये भी भर गया है क्योंकि जो जो जैसे काम बढ़ता जा रहा है वैसे पूरा स्टेशन ही इंगेज होता है। देख लो भाई जगह पहले ऑटो वगैरह नहीं था तो यहाँ पर भी ऑटो वगैरह का अरे यहाँ पे लगा दिया गया है। ये है अपने नए रेलवे स्टेशन मुजफ्फरपुर जो कि प्राइवेट एजेंसी में जाने के बाद इसका क्या काम चल रहा है, क्या रीडेवलपमेंट चल रहा है। तो ये है पूरा अपडेट। तो आई होप आप लोग वीडियो एंजॉय किए हो। अगर आप लोग मुजफ्फरपुर तो वीडियो को शेयर और सब्सक्राइब करके आगे बढ़ना।